नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज जो चालू की थी, आज मैं उस रेलवे के लिए बहुत ही 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो जनरल साइंस के हैं। तो मैं क्वेश्चन आज हमारा वन लाइनर क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करता हूँ। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इनमें से सबसे बड़ा कण कौन सा होता है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन हमारा सबसे बड़ा कण होता है। दूध उबालने की इस फूकर पर सतह कितनी होती है? तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। मतलब किसी भी वस्तु द्रव को अगर हम उबालते हैं तो वो 100 ही डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा तत्व तो रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों दोनों के समान कार्य करता है? तो उसमें हमारा बेरान हो जाएगा। वयस्क मानव ढांचा कितनी हड्डियों पर आधारित होता है? तो उसमें 206 होती हैं। जब पर जन्म के समय समय जो बच्चे में जो हड्डियां होती हैं वो हमारी होती हैं 300। एक मार्क का संबंध है, एक मार्क हमारा गुणवत्ता से संबंध होता है। प्रयोग करने वाली जैसे अंडा, दूध, घी आदि की क्वालिटी गारंटी को, अगर हम अंडे या दूध घी जो पैकेटों में आता है उसमें अगर हम देखते हैं तो उसमें एक मार्क की मोहर लगी रहती है, तो वही वाला एक मार्क ही है। ट्रकोमा रोग किस से संबंधित है? ट्रकोमा जी हमारे आँख से संबंधित है। ट्रकोमा से ये जो हमारी आँख की कठपुतली होती है ये बाहर निकल आती है, तथा 2018 में इसे हमारे इंडिया ने इस रोग को मुक्त घोषित कर दिया है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं। इंसुलिन, एडेनिन तथा थायरॉक्सिलिन और हीमोग्लोबिन में से कौन सा हार्मोन्स नहीं है? तो इसमें हीमोग्लोबिन हार्मोन्स नहीं है, और ये बाकी जितने भी हैं ये हमारे हार्मोन्स हैं। हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में पाया जाता था, तथा इसमें ऑक्सीजन का काम कोशिकाओं तक पहुँचाना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं। किसी मनुष्य के द्वारा सांस में एक बार में खींची गई हवा कितनी होती? वो 550 मिलीमीटर होती। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता और दांत हिलने लगते हैं? तो वो विटामिन सी की कमी होती है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है? क्रायोजेनिक इंजन ये हमारा रॉकेट में होता है, तथा क्रायोजेनिक इंजन का हम यूज निम्न तापमान में करते हैं, लो टेम्परेचर में। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर लेते हैं। खारे नमकीन जल में कौन सा पेड़ उग जा सकते हैं? उसमें मैग्रोव वन उगते हैं। मनुष्य का मेरुदंड किससे संरक्षित होता है? वो कशेरुक से संरक्षित होता है। यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण द्विपरदी वाल्व से पीड़ित है तो उसके शरीर का कौन सा अंग रोगग्रस्त है? तो वो फुसफुस होता है। अगला नंबर 15 नंबर डिस्कस कर लेते हैं। एस्बेस्टस क्या होता है? रेशा युक्त खनिज है। अगला नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। 16 नंबर, कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन और यौगिकीकरण को बढ़ाती है? वो बीन्स होती है। और पके हुए अंगूरों में क्या होता है? उसमें ग्लूकोज होता है। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर लेते हैं। NTP का अभिप्राय क्या? परमाणु अपसार संधि। और जो इंसुलिन स्त्रावित कहाँ होता है? वो पैनक्रियाज अग्नाशय में होता है। कौन सा विटामिन इस स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है? वो एस्कार्बिक एसिड विटामिन सी होता है। सोल्डर किसकी मिश्र धातु होती है? टिन और सीसा की। पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? जोहान विलियम हेंस रीटर ने। बायोप्सी क्या है? कोषों और ऊतकों के प्रयोगों एवं चिकित्सीय रोग निदान तकनीक। मतलब बायोप्सी जो होता है ये हमारा जीवित टिश्यूज का अध्ययन किया जाता है इसमें, और जबकि एक ऑटोप्सी होता है वो मृत लोगों का अध्ययन किया जाता है उसमें। अगला क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर लेते हैं। 24, हीमोग्लोबिन और क्रेमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण क्या है? उसमें लव होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? ट्यूब में निषेचन होना। नंबर क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस कर लेते हैं। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संजकता क्या होती है? 3 होती है। उसमें बैटरी का धन ध्रुव क्या होता है? वो एनोड होता है। टिश्यू क्या है? समान कोशिका का समूह। एड्स कैसे फैलता है? एड्स जो हमारा वायरस होता है AI HIV वायरस होता है। वायरस युक्त रक्त लेने में ये सबसे ज़्यादा
हमारे सेक्स करने से ज़्यादा फैलता है तथा यो निडिल और इसी से फैल जाता है। निडिल हो गई चलिए, और कभी चीज़ें होती है। ओजोन की परत हमें किस किरण से बचाती है? वो किरण पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस कर लेते हैं। प्याज, आलू, गाजर और अदरक में से कौन सी जड़ है? इसमें गाजर हमारी जड़ होती है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग से शुरू होता है? वो मुख से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? वो हमारा होता है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस कर लेते हैं। सेंटीग्रेड और फारेनहाइट मापनी कहाँ पर एक होते हैं? वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक होते हैं। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? उसमें नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति क्या पहुँचाकर होती है? ऊतकों से ऑक्सीजन पहुँचाकर। अगला क्वेश्चन 36 देख लेते हैं। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका वो होती है माइक्रोप्लाज्मा होती है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। कौन सा पौधा तना छिद्रक कीट से खराब रूप से प्रभावित होता है? वो है गन्ना हमारा। और कौन सा राज्य तांबे का प्रमुख उत्पादक राज्य है? वो राजस्थान। ये सबसे ज़्यादा खेतड़ी है। खेतड़ी में सबसे ज़्यादा राजस्थान में तांबा होता है। क्वेश्चन नंबर 39 डिस्कस कर लेते हैं। किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है? वो हमारी काली मिट्टी होती है, जिसमें सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस कर लेते हैं। केल्विन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? वो हमारा 310 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों, मैंने इसमें RRV में जो 14+ क्वेश्चन जो आस्क्ड जो बार बार पूछे जाते हैं वो मैंने डिस्कस किए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।